गुड मॉर्निंग। अच्छा यहाँ से आवाज बढ़ेगी तभी यहाँ से आएगी, ऐसा कुछ है पुणे में? नहीं, पुणे के लोग ऑलरेडी फेमस बहुत ज्यादा है ना, तो मुझे भी फेमस होके बहुत अच्छा लगता है जब ये इतना बड़ा बड़ा बोलते हैं हमारे बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है कि मदर एंड डॉटर की जो पैर है वो पूरे इंडिया में फेमस हो गई और फॉरेन में भी फेमस हो गई बिकॉज ऑफ वेस्टीज। तो वेस्टीज ने मुझे जो इमेज दी है तो उसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा नाम है शार्दुला कुलकर्णी, मैं आप ही के पुणे से बिलोंग करती हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है। जैसे आपने स्टार्टिंग से देखा, प्रोडक्ट देखे, फिर प्लान देखा, फिर आपने कुछ अचीवर्स को देखा जिन्होंने बताया स्टार्टिंग में उनका इनकम बहुत कम था, बट जैसे धीरे धीरे आपने देखा कि करोड़ अचीवर्स, फिर उसके बाद में करोड़ क्लब का जो अचीवमेंट था उसमें बड़े बड़े चेक आपने देखे, तो क्या आप लोग ऐसे चेक लेना चाहते हो? यस। आप भी बनना चाहते हो यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी? यस। तो आप लोग, हम लोग आपके साथ काम करने के लिए रेडी है। बट एक चीज है, जितने भी अचीवर्स यहाँ पे आए थे, क्या आपने कुछ नोटिस किया कि उनके लाइफ में कुछ तो उन्होंने डिफरेंट किया जो आज तक जो लोग सक्सेसफुल नहीं है उन्होंने नहीं किया है? क्या है? यस, सोच बदली है और डिसीजन लिया। एग्जैक्टली, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होगा। मोदी जी ने एक डिसीजन लिया करेंसी नोट्स को चेंज करने का, एक रात में सब कुछ चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ। उसी तरीके से इन सभी लोगों ने एक ही चीज करी, मोदी जी ने दुनिया बदल दी एक डिसीजन लेके, इन लोगों ने अपनी दुनिया बदल दी एक डिसीजन लेके। जो वेस्टीज मैंने स्टडी किया है एमबीए में,
और बहुत सारी कंपनी मैंने स्टडी की कि बाइनरी प्लान कैसे होते हैं, हाइब्रिड प्लान कैसे होते हैं। आज तक मैंने देखा कि कोई भी ऐसी कंपनी, मतलब कोई भी ऐसी बाइनरी कंपनी टिकी नहीं है इंडिया में। तो मैं चाहती थी कि ऐसी कोई कंपनी मुझे मिले कि जो प्रोडक्ट बेस हो एंड जो जनरेशन प्लान हो, कि जिसके वजह से लोगों की जिंदगी बदले और मैं मेरी जिंदगी भी बदल पाऊँ। जैसे शांतिला मैम ने अभी बताया कि घर हो गया, गाड़ी हो गई, फॉरेन ट्रिप हो गया, सब कुछ हुआ, बट आज जो अच्छा लग रहा है, हम टीम की लाइफ चेंज कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ में एंजॉयमेंट जब देखते हैं, उनकी मोटिवेशन देखते हैं, उनका चेक देखते हैं, तो बड़ा मजा आता है। मेरा फर्स्ट चेक 29 रुपीज का था और मुझे जब जॉब से सैलरी मिल रही थी कम से कम 1.5 से 2 लाख पर मंथ आता था, और 29 रुपीज एक जगह और 1.5-2 लाख एक जगह, राइट? क्या लगता है आपको, 29 रुपीज के लिए मैंने वेस्टेज करना चाहिए था? कोई भी नहीं करता था, राइट? बट 29 रुपीज सेकेंड मंथ में 350 रुपए बन चुका था दोस्तों, 350 रुपए। तीसरे महीने का मेरा जो चेक था 1590 रुपए का था। मुझे बस एक ही बात समझ में आ गई थी कि मैंने जॉब जब शुरू किया, 1 से 1.5 लाख पर मंथ लाने के लिए मुझे 16 से 20 साल देने पड़े, लेकिन वेस्टेज में 29 रुपीज का इनकम एक मंथ में 350, मतलब 10 गुना बढ़ गया था। 350 का इनकम 1590, मतलब अगेन 10 गुना बढ़ गया था। तो 50 लाख पर मंथ, 1 करोड़ पर मंथ, 10 करोड़ पर मंथ वेस्टेज से आ सकता है। मैंने शुरुआत की एंड थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी अगेन बलवानी सर को कि बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां, बहुत अच्छा चैनल सेशन आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है टीम को, सो थैंक यू सो मच एंड यशुगन। एंड ना एक और चीज, बहुत जल्दी है ना, हम बहुत जल्दी 1000+ लोगों की CNT करने जा रहे हैं। ओके, एक जोरदार तालियां हमारे अचीवर्स के लिए और आप सब।